हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल। एल्गी या शैवाल बोल दीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? प्लांट किंगडम में इनको भी रखा गया है। एल्गी को भी प्लांट किंगडम में रखा गया है। देखिए, जो एल्गी की बॉडी होती है वो कैसा होती है? सिंपल हो सकती है और थैलाइड हो सकती है। कैसी? सिंपल और थैलाइड दोनों तरह की हो सकती है। और जो एल्गी होता है, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा क्लोरोफिल हो जाएगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। यहाँ पे क्लोरोफिल क्या होता है भाई? हमारा एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पिगमेंट होता है। जैसे ह्यूमन के बॉडी में मेलानिन होता है ना, जिससे हमारे हमारे मतलब रंग का पता चलता है। यदि ज़्यादा मेलानिन होता है, मेलानिन होगा तो हम काले हो जाएंगे, थोड़ा कम मेलानिन होगा तो गोरे हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं ना, तो मेलानिन का सिंथेसिस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं तो उनमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो काले हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मेलानिन हमारा एक पिगमेंट होता है, वैसे ही क्लोरोफिल भी क्या होता है? एक पिगमेंट ही होता है। तो एल्गी में क्या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कौन सा? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि किस टाइप का हो सकता है? क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी हो सकता है। और देखिए, जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मतलब क्या करते हैं? खुद से खाना बनाते हैं। देखिए, प्लांट्स में क्या पाया जाता है? प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, एल्गी में भी क्लोरोफिल पाया जा रहा है। जैसे प्लांट क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही एल्गी भी हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो एल्गी होते हैं मेनली क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली, मेजरली, यानी समझ लो कि 80% तक क्या होंगे? एक्वाटिक होंगे। किसमें पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में अक्सर पाए जाते हैं। अब इनका हैबिटेट देख लेते हैं, ये ज़्यादा और कहाँ पे उगते हैं? मॉइस्ट स्टोन पे, जो हमारा थोड़ा थोड़ा गीला, जो नमी वाला स्टोन रहेगा ना, वहाँ पे उगते हैं। जो थोड़ी नमी वाली हमारी सॉयल रहेगी, मिट्टी रहेगी, तो वही मॉइस्ट स्टोन हो गया, मॉइस्ट सॉयल हो गई और मॉइस्ट वुड हो गया। जो थोड़ी थोड़ी भीगी हुई लकड़ी होती है, जैसे बरसात में भीग जाती है, तो उसके ऊपर क्या उगाता है? हमारा एल्गी उग जाता है। ठीक है ना? तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक्वाटिक तो होते हैं, पानी में पाए जाएंगे, और मॉइस्ट स्टोन पे हो गया, हमारा सॉयल हो गया, और वुड पे पाए जाते हैं। देखो, यदि एल्गी फंजाई के साथ जुड़ जा रहा है, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म जिसे बोल दीजिए आप, म्यूचुअलिज्म। एल्गी प्लस फंजाई मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। तो आपको हमने लाइकेन के बारे में बता दिया है। एल्गल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? फाइकोबियंट। और फंगल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? माइकोबियंट। एल्गल वाला भाग क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? एल्गी है तो भाई फोटोसिंथेसिस करेगा, जिससे क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है। और जो वहीं फंगी फंजाई वाला भाग होता है, जो हमारा माइकोबियंट होता है, वो शेल्टर प्रदान करता है, रहने के लिए घर देता है, तथा जमीन से क्या करेगा? मिनरल्स को खींच के एल्गी को देगा, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अब देखिए, एल्गी में जो यूनिसेलुलर एल्गी है, उसका नाम कौन सा? यूनिसेल, मतलब सिंगल सेल पाया जाता है। सिंगल सेल एल्गी कौन सी होती है? हमारी क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लोरेला हो जाता है, और स्पाइरुलिना। इन तीनों एग्जांपल्स को आप एकदम रट लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन है? क्लेमाइडोमोनास हमारा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरुलिना हो गया। अब देखिए, यूनिसेलुलर एल्गी तो ये तीन हो गए। अब आते हैं कॉलोनियल पे। कॉलोनियल मतलब क्या करेंगे? कॉलोनी बना के रहती हैं, सब कॉलोनी बना के रहती हैं एक जगह। जैसे शहर में कॉलोनी होता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं एक जगह, वैसे ही समझ लिए भीड़ भाड़ जैसा एरिया, बहुत सारे कॉलोनी बनाकर गोल गोल सा ऐसे रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाता है? वॉलवैक्स होता है। कॉलोनियल का एग्जाम्पल वॉलवैक्स है। फिलामेंटस की बात करें तो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, फिलामेंट जैसा, फीता जैसा ऐसे रहेगा। ठीक है ना? ऐसे रहता है, स्ट्रक्चर दिया गया है, एनसीईआरटी में आप याद कर लीजिएगा, ऐसे रहता है, फिलामेंटस हो जाता है। फिलामेंटस का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है और इक्टोकार्पस है। फिलामेंटस कौन कौन होता है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और इक्टोकार्पस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वॉलवैक्स है, कॉलोनी बनाई है कि नहीं बनाई है? कॉलोनी कॉलोनी टाइप का है, तो हमारी वॉलवैक्स हो जाती है। और यहाँ पे फिलामेंटस है हमारा, यूलोथ्रिक्स हो गया। फिलामेंटस कौन सा है? यूलोथ्रिक्स। आप देख लीजिए, फीता के जैसा है ऐसे। ऐसा सिंपल सा क्या कीजिए कि दो लाइनें खींच दीजिए और बीच बीच में ऐसा करके बना दीजिए, बस हो जाएगी। समझिए, यही है, यही क्या है हमारी, यही हमारी यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है ना? फिलामेंटस एल्गी है। अब देखते हैं आगे, सम एल्गी 100 मीटर से भी क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। कुछ एल्गी जो होते हैं वो 100 मीटर से भी क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? केल्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्प्स, KELPS, केल्प्स। क्या बोलते हैं? केल्प्स बोलते हैं। ठीक है ना? अब देख लेते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन तरह से होता है, वेजिटेटिव हो जाएगा, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो
वो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी जो उसकी बॉडी रहेगी ना वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। जैसे ये उसकी बॉडी है ना, तो क्या होगी, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट के एक, देखो ये चार भागों में टूटी तो यहाँ से चार क्या निकल जाएंगे, चार एल्गी बन जाते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसमें बॉडी क्या होती है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है तथा थैलस का निर्माण करती है। कि किसका निर्माण करती है, थैलस का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है। आप जब 12th का चैप्टर पहला पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे जू स्पोर और कोनिडिया के बारे में दिया गया है। तो देखिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है। जो जू स्पोर होता है क्या होता है, मोटाइल होता है। जू स्पोर क्या होता है, हमारा मोटाइल होता है और इंडोजिनसली प्रोड्यूस, इंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब शरीर के अंदर प्रोड्यूस, मतलब कुछ कुछ क्या होता है, साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइक लाइक समझिए कि साइक लाइक, मान लीजिए कोई गोल साइज स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर हमारा क्या क्या होगा, जू स्पोर प्रोड्यूस होगा, जू स्पोर मतलब बनेगा, ठीक है ना। तो भाई तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर क्या होता है, मोटाइल होता है, क्योंकि जू स्पोर के पास क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजेला होता है, समझिए, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है, जो कि मोटाइल होता है और इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। इंडोजिनसली मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा, यानी मेल से गैमेट आएगा, फीमेल से गैमेट आएगी। मान लो हमारी एक लड़की है, एक लड़का है, इनके बीच में गैमेट बनेंगे, तो वैसे इसमें मेल से गैमेट आएगा, फीमेल से गैमेट आएगा। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन प्रकार के जो गैमेट आते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। एक तो आइसोगैमस तरह से हो जाएगा, एक एनआइसो और एक ऊगैमस। आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब, आइसो मतलब सेम, यानी इन गैमेट्स का जो साइज होगा ना और शेप होगा एकदम सिमिलर होगा। आइसोगैमेट्स का साइज और शेप क्या होगा, सिमिलर होगा, और ये फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं, फ्लैजिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए कि जो आइसोगैमस होते हैं उनका साइज तो एकदम सिमिलर होता है, साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन जो उनमें जो फ्लैजिला हो वो प्रेजेंट हो भी सकता है और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। यदि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे वो मोटाइल हो जाएंगे, यदि फ्लैजिला एब्सेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आइसोगैमस हो गया। तो आइसोगैमस मतलब उनका जो उस गैमेट का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एग्जांपल में क्लेमाइडोमोनास आ जाता है हमारा, कौन है, क्लेमाइडोमोनास। अब आते हैं एन आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब सेम था, एन आइसोगैमस मतलब डिफरेंट, यानी उनका साइज क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर इन साइज, मतलब सिमिलर साइज में क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। इसका भी एग्जांपल कौन है, क्लेमाइडोमोनास है। कौन है, क्लेमाइडोमोनास, शायद नई वाली एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, हमें याद नहीं आ रहा है इस टाइम, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा वो कौन सी है। अब देखिए ऊगैमस, ऊगैमस में क्या होता है कि एक मेल आएगा और एक फीमेल गैमेट रहेगा। तो जो मेल गैमेट रहता है वो छोटा होता है तथा मोटाइल होता है, छोटा होता है तथा मोटाइल होता है, ठीक है ना। देखो कभी भी मेल ही फीमेल के पास जाता है, मेल ही क्या जाएगा, फीमेल के पास, वाटर के थ्रू जाए, चाहे एयर के थ्रू जाए, चाहे कैसे भी करके जाए। जैसे पॉलिनेशन हम लोग पढ़े हैं, तो पॉलिनेशन कहाँ जाता है, स्टिग्मा पे जाता है कि नहीं जाता है, हवा के द्वारा जा सकता है, वाटर के द्वारा जा सकता है, इंसेक्ट्स के द्वारा जा सकता है। वैसे ही ऊगैमस में भी क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है तथा मोटाइल होता है, जो कि किससे जाके फ्यूज करता है, फीमेल गैमेट से, और फीमेल गैमेट क्या होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। अच्छा, इसका ऊगैमस का एग्जाम्पल हमारा वाल्वाक्स हो जाता है और फ्यूकस हो जाता है, वाल्वाक्स और फ्यूकस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊगैमस का एग्जाम्पल कौन होता है, वाल्वाक्स और फ्यूकस हो जाता है, वाल्वाक्स हो जाता है और फ्यूकस होता है। वाल्वाक्स कैसा, हम बताए थे आगे, कॉलोनियल होता है। वाल्वाक्स कैसा होता है, कॉलोनियल होता है, ठीक है ना। तो वाल्वाक्स कैसा होता है, कॉलोनियल होता है, और इसमें ऊगैमस टाइप का गैमेट है। कौन सा है, इसमें कैसा पाया जाता है गैमेट, ऊगैमस टाइप का गैमेट पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में एनआइसोगैमस टाइप का, और क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस, मतलब आइसो और एनआइसो दोनों का एग्जांपल क्या हो जाता है, क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी का यूज कहाँ कहाँ पे है, मतलब इससे हम लोग को फायदा क्या क्या मिल रहा है। देखिए जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ना, वो पूरी धरती पे वो एल्गी के द्वारा किया जाता है। 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, एल्गी के द्वारा किया जाता है। जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे जो उस वाटर में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो जिस वाटर में पाए जाते हैं, मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है, उसमें यदि ये पाए जा रहे हैं, तो उस पॉन्ड में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, वहाँ पे मछलियों का भी ग्रोथ अच्छा होता है, क्योंकि उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाता है। अब देखिए तीसरा, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन अर्थ लाइक ट्रीज, जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाते हैं। वैसे ही एल्गी भी क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। प्लांट से ज़्यादा फायदा है एल्गी, मतलब प्लांट्स के अपेक्षा एल्गी हम लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्लांट के अपेक्षा ज़्यादा ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं।
अब देखिए 70% स्पीसीज का उपयोग खाने में किया जाता है। देखिए एल्गी का मतलब आप कहीं भी देख लीजिए, काई, काई जानते हैं आप लोग, जैसे मशीन वशीन जहाँ पे गीला होता है ना वहाँ पे लग जाता है, हरी हरी एकदम हरी हरी सी लग जाती है, वही हमारी क्या होती है, एल्गी होती है। और देखिए 70% स्पीसीज का उपयोग खाने में किया जाता है, जो एल्गी का 70% स्पीसीज है ना उसका उपयोग खाने में किया जाता है। उस कौन कौन सा एग्जाम्पल है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। पोरफायरा हो जाता है, लेमिनेरिया होता है, सार्गासम, इनका उपयोग किस में किया जाता है, खाने की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, खाने में किया जाता है। तो 70% स्पीसीज का उपयोग खाने में किया जाता है, पोरिफेरा, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए हाइड्रोक्लाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोक्लाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब ये वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता रखते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। जैसे हम कूलर वाला देखते हैं ना, कूलर में घास लगी होती है, घास लगी रहती है कि नहीं कूलर में, इसीलिए वो घास क्या होती है कि वाटर को होल्ड करके रखती है, गीली रखती है, जिससे क्या करता है कि हवा उसके थ्रू पास करता है और ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वही, तो हाइड्रोक्लाइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा निकलता है, रेड एल्गी के द्वारा और ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। हाइड्रोक्लाइड्स, हाइड्रोक्लाइड्स के द्वारा क्या होता है, हाइड्रोक्लाइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ही है, हाइड्रोक्लाइड्स क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। अब देखिए रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी से तो ये निकलता है, मतलब इनसे बनता है। अब देखिए रेड एल्गी से क्या बनता है, कैरागिनिन बनता है, ब्राउन एल्गी से एल्जिन बनता है। एल्जिन क्या होता है ना कि जो ब्राउन एल्गी है ना उसके जो सिलवाल होगा ना, सिलवाल होगा समझिए, चाहे जो वाल होगी ना उसके ऊपर एक जिलेटिनस शीट होता है, जो एल्जिन क्या होती है, एक शीट होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एकदम चमकीला सा होगा एक तरह समझिए, जिसकी वजह से ये पानी को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो वाटर को होल्ड करके रखता है। तो एल्जिन क्या होता है, एक जिलेटिनस शीट होती है एल्जिन ब्राउन एल्गी के सिलवाल के ऊपर। अब देखिए अगार अगार, एक कौन सा है, अगार अगार, अगार अगार का नाम आपने सुना होगा। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। अगार अगार का उपयोग किसमें किया जाता है, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, आइसक्रीम बनाने में और जेलीज बनाने में, जिसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है। अगार अगार को जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, ठीक है ना, और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना एल्गी, जो कि रिच प्रोटीन, मतलब जो हमारा क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका उपयोग एस्ट्रोनॉट को देने में किया जाता है, जो हमारे स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं ना उनको दिया जाता है, ताकि वहां पे जाएं तो इनको थोड़ा सा भी मात्रा इसको खा लें, जिससे उनको ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिल सके। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना में हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो उसको किसको दिया जाता है, एस्ट्रोनॉट को दिया जाता है, जो कि स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी पेनिसिलिया में, यूनिसेलुलर एल्गी आपने पीछे देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए मल्टी सेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर मतलब कई सारे सेल से बने होते हैं, जो वो कौन सा होते हैं, पेनिसिलिन हो जाता है। वो कौन सा होता है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कोनिडिया के द्वारा। कैसे होता है, कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर एल्गी है हमारा पेनिसिलिन, उसमें कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए एल्गी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, किसके कितने भागों में, तीन भागों में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ग्रीन एल्गी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फियोफाइसी में भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसके सिवा भी कुछ पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से, रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफाइसी हमारी ग्रीन एल्गी होगी, फियोफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी होगी, रोडोफाइसी हमारी रेड एल्गी होगी, रेड एल्गी होगी। अब देखते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। तो क्लोरोफाइसी क्या होती है, इसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है, कॉलोनियर और फिलामेंटस चारों हो सकती है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियर और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनी बना के भी रह सकती है, कॉलोनियर हो सकती है, तथा फिलामेंट के जैसा भी हो सकती है, फिलामेंट के जैसा भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, ठीक है ना। देखिए क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, उसमें क्लोरोफिल ए, इसमें क्या कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये हरा होती है। क्लोरोफाइसी कैसी होती है, हरी रंग की होती है। अब देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ए और बी टाइप का, वो क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में भी हमारा पायरिनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पत्तियों में, और उसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स भी होते हैं। और पायरिनॉइड्स क्या होते हैं कि प्रोटीन विथ स्टार्च, मतलब पायरिनॉइड्स क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन
स्टार्च और प्रोटीन दोनों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, रिबन जो हम लोग काटते हैं अक्सर किसी उद्घाटन में, वैसा समझिए स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल ऐसे करके हो सकता है, डिस्क्वायर्ड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, और कप शेप का हो सकता है। कैसा होता है, हो सकता है कप शेप का हो सकता है, कप शेप का हो सकता है और रेटिकुलेट हो सकता है। अब देखिए स्टोरेज बॉडी जो हम पेरिनाइट्स बताए थे, क्लोरोप्लास्ट में पेरिनाइट्स भी पाया जाता है जो कि स्टोरेज बॉडी होता है। क्या स्टोर करता है, प्रोटीन को और स्टार्च को, प्रोटीन और स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करता है। पेरिनाइट्स किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन विथ स्टार्च, प्रोटीन विथ स्टार्च। आगे देखिए कुछ एल्गी फूड को ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो क्लोरोफाइसी वाले कुछ एल्गी होते हैं ना, वो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, कैसे ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑयल का जो ड्रॉपलेट होता है उसके फॉर्म में, जो ऑयल की बूंद होती है ना उसके फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता ही दिए हैं पहले, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। देखिए आप लोगों ने पहले याद कर लीजिएगा, जो पहले हम बताए थे ना उसमें आप याद कर लीजिए, यदि रिप्रोडक्शन होगा तो तीन तरह से होगा, एक तो होगा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल होगा तो कैसे होगा, ज़ूस्पोर के द्वारा हो जाएगा। तो ज़ूस्पोर में हम बता दिए थे कि फ्लैजेला पाया जाता है, तो एसेक्सुअल कैसे हो जाएगा, फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर के द्वारा हो जाएगा। और जो ज़ूस्पोर होता है वो किसमें बनता है, ज़ूस्पोरेंजियम में बनता है, किसमें बनता है, जो हम बताए थे ना एक साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़ूस्पोर बनता है हमारा, तो साइक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ज़ूस्पोरेंजियम है, ठीक है ना। तो ज़ूस्पोरेंजियम में हमारा ज़ूस्पोर बनता है। अब देखिए तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, मतलब गैमिट्स के फ्यूजन के द्वारा होगा, जो तीन प्रकार के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊ गैमस। आइसोगैमस का एग्जांपल हम बताए दिए थे क्लेमाइडोमोनास, एन आइसोगैमस का क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। वहीं पे वाल्वॉक्स में क्या होता है, ऊ गैमस टाइप का होता है, कैसा, ऊ गैमस की एग्जांपल हमारा वाल्वॉक्स हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल याद कर लीजिए, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। तो हमारी ग्रीन एल्गी होती है उसका एग्जांपल कौन है, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा हो जाती है, कारा हो जाती है। अब देखते हैं फियोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी क्या होती है, इसको हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। ये मैराइन होती हो सकती है, क्या हो सकती है, मैराइन हो सकती है। इसका शेप क्या हो सकता है, डिफरेंट, और शेप और साइज क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, यानी सो वेरिएशन। क्या दिखाती हैं फियोफाइसी, अपने साइज और शेप में क्या दिखाती हैं, वेरिएशन दिखाती हैं, विभिन्नता दिखाती हैं। ये कैसी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और फिलामेंटस भी, ब्रांच मतलब इनके बॉडी से ब्रांच निकले होंगे और फिलामेंट के जैसा भी हो सकती हैं। तो फिलामेंटस का एग्जांपल हमारा इक्टोकार्पस होता है, हो जाता है, कौन है, इक्टोकार्पस, 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 इक्टोकार्पस। देखिए ये 100 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं, यानी ऊंचा हो सकते हैं, ठीक है ना, 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। उसको हम क्या बोले थे, केल्प्स बोले थे, क्या बोले थे, केल्प्स बोले थे, पीछे हम बोले थे ना एक बार, केल्प्स 100 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं, केल्प्स बोले थे। अब देखिए इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, ए और सी पाया जाता है। और इसमें कैरोटीनाइड्स भी पाया जाता है, जैंथोफिल भी पाया जाता है, और फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, पिगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जो इसको ब्राउन बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, ब्राउन बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी दोनों होता है, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, कैरोटीनाइड्स पाया जाता है, कैरोटीनाइड्स, जैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन, कैरोटीनाइड्स, जैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। अब देखिए इनमें फूड कैसे स्टोर होता है, इसमें फूड कैसे स्टोर होता है, लैमिनरिन और मैनिटाल के रूप में, कैसा, लैमिनरिन और मैनिटाल के रूप में, लैमिनरिन और मैनिटाल के रूप में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो फूड स्टोर होता है लैमिनरिन और मैनिटाल के रूप में। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं फियोफाइसी का, लैमिनेरिया एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, लैमिनेरिया, तो लैमिनेरिया जब एग्जांपल याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि इनमें फूड स्टोर कैसे होता है, लैमिनेरिन और मैनिटाल के रूप में होता है। अब देखिए वाल कवर्ड बाय एल्जिन, हम नहीं बताए थे ब्राउन एल्गी की जो वाल होती है वो एल्जिन के द्वारा कवर्ड होती है, जो कि एल्जिन एक जिलेटिनस कोटिंग होता है, कैसा होता है, जिलेटिनस कोटिंग होता है, जिलेटिन से बना हुआ एक कोटिंग होता है। अब देखिए प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में तीन भाग हो जाते हैं, एक होल्ड फास्ट हो जाता है, एक स्टिफ हो जाता है, एक फ्रॉन्ड हो जाता है। एक होल्ड फास्ट हो जाएगा, एक होल्ड फास्ट हो जाएगा जिससे बॉडी अटैच्ड होती है, और एक स्टिफ हो जाता है जिससे स्टाक होता है, और एक फ्रॉन्ड होता है जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है, कैसा होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इनमें होता है। तो इनकी बॉडी में तीन पार्ट्स होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टिफ और फ्रॉन्ड। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पीछे बताई दिए, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, एसेक्सुअल ज़ूस्पोर के द्वारा होगा, उनमें भी ज़ूस्पोर के द्वारा हो रहा था, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं ज़ूस्पोर, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है ना, बाइफ्लैजेलेटेड, एक सेकेंड, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। और शायद एक टेबल में दो से आठ दिया है, कितना दिया है, दो से आठ, चलिए
दो भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, बाइफ्लेजलेटेड भी होते हैं। देखिए और अनइक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे अनइक्वल, एक थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा थोड़ा छोटा होगा, हमारे जो फ्लैजेला मान लीजिए एक बड़ा है तो क्या होगा छोटा होगा। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बताए थे तीन तरह से होगा, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस हो जाएगा। तो ऊगैमस का एग्जांपल हमारा फ्यूकस था ना, एक वालवाक्स था एक फ्यूकस था, ऊगैमस तो इसमें फ्यूकस हो जाता है यहाँ पे इस वाले एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल कौन सा है ब्राउन एल्गी का, इक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया और सार्गासम। लेमिनेरिया आप लेमिनेरिन किससे याद कर लीजिए, लेमिनेरिया किससे, लेमिनेरिन से याद, लेमिनेरिन से याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ब्राउन एल्गी का एग्जांपल इक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा और लेमिनेरिया हो गया। अब हमारा लास्ट है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, क्यों क्यों इसको जानते हैं भाई, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम आर फाइको इरिथ्रिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर फाइको इरिथ्रिन, आर फाइको इरिथ्रिन। तो रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पिगमेंट पाया जाता है आर फाइको इरिथ्रिन। उसके सिवा क्लोरोफिल, कौन सा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा, कौन सा क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। जो रोडोफाइसी होते हैं वो मैराइन होते हैं, मतलब वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन होते हैं यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्र की सतह पर भी बहुत कम लाइट पहुंचती है वहां पे भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। मान लो जी हमारा ये समुद्र का ऊपरी सतह हो गया, निचली सतह हो गया, तो यहाँ से जो लाइट जाती है ना यहाँ तक बहुत कम पहुंच पाती है, यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं और यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी भी लाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और यहाँ पे भी ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे थोड़ी कम लाइट भी पेनिट्रेट कर रही है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, थोड़ी कम लाइट भी पेनिट्रेट कर रही है नहीं भी कर रही है वहाँ पे भी ये रोडोफाइसी पाए जाते हैं। ये जो देखिए रेड थैलाई प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में, कैसा थैलाई प्रेजेंट होता है, रेड थैलाई जो कि मल्टी सेलुलर होता है, रेड थैलाई लाल कलर का थैलाई प्रेजेंट होगा जिसमें जो मल्टी सेलुलर होता है। स्टोर फूड, इनमें फूड स्टोर कैसे होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, कैसे, उसमें लैमिनेरिन मैनिटा के रूप में हो रहा था फियोफाइसी में, वहीं रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, ग्लाइकोजन देखो ग्लाइकोजन किसमें होता है, एनिमल्स में होता है कि नहीं होता है, ह्यूमन हो गए जो उनमें होता है, ग्लाइकोजन हम लोगों में होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, भोजन इकट्ठा होता है ना, वैसे ही जो रोडोफाइसी होगा उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होगा, और जो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है वो किसके सिमिलर होती है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, ये पहले आपको याद ही हो गया होगा अब तक तो। और ई सेक्सुअल याद कर लीजिए नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा, यहाँ पे जू स्पोर नहीं आएगा, जू स्पोर क्या होता है मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स यानी फ्लैजेला भी नहीं पाया जाता है, फ्लैजेला भी नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, नॉन मोटाइल गैमिट्स के द्वारा भी हो सकता है और ऊगैमस टाइप का हो सकता है। ऊगैमस आपको बताया था ना, जो मेल होगी जो फीमेल वाला पार्ट होगा वो क्या होगा छोटा होगा, जो मेल वाला होगी थोड़ी बड़ी होगी, मेल वाला जो छोटा रहेगा और क्या रहेगा मोटाइल रहेगा, यानी इसमें फ्लैजेला पाया जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा कि नॉन मोटाइल होती है, ठीक है ना। तो इसमें ऊगैमस टाइप का हम ऐसे बता दिए थे पीछे। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फाउंड, मतलब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे क्या हुआ, मेल गैमिट आया फीमेल गैमिट आया, दोनों क्या किए फ्यूज करके एक बना दिए जाइगोट, जाइगोट से क्या बना हमारा इम्ब्रियो बना, ऐसे ही इनमें क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि फ्यूजन के बाद वाला जो भाग होता है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, तो इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल में है पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा और जेलिडियम, उसके बाद ग्रेसिलेरिया। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हमको क्या मिल रहा था अगार अगार, क्या मिल रहा था अगार अगार, जिसका उपयोग हम क्रीम और जेलीज बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में करते हैं। तो एग्जांपल इसका चार ही है, पोरफायरा, पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। देखिए पी पी जी जी से याद कर लीजिए आप, सिंपल तो हो गया, पी पी जी जी याद हो गया ना, चाहे जी पी कर दीजिए, पी पी जी जी कुछ भी कर दीजिए, मतलब पी वाले होते हैं जी वाले ज़्यादा होते हैं, इसमें होते हैं पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम। तो ये रहा हमारा एलगी वाला भाग, इसमें जो जो हम पॉइंट बता दिए वो सब याद कर लीजिएगा, इसी से एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।